मंदिर की दर्शन भी कर लिया और हमने काले काले जामुन भी खा लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं मंदिर, मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ ये जा रहा है, तो चलिए चलते हैं। हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि मंदिर बहुत पास में है, इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, गोरखपुर छावनी है ये। ये है हमारा गोरखपुर छावनी, जिसका निर्माण काफी दिनों से हो रहा है और ये काफी बड़ा भी बन जाएगा। इधर से चला जाए, इधर से हाँ ऊपर से चलते हैं। गाइस यहाँ पे एक ट्रेन भी आई हुई है, ब्रिज के उस पार जाना, तो इसलिए हम ब्रिज से जा रहे हैं ऊपर। हमें लाइन के उस पार जाना है, तो इसलिए हम ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। काफी मस्त व्यू यहाँ से नहीं? फाइनली हम सीढ़ी से नीचे उतर चुके हैं और हम लोग ब्रिज के इस पार आ चुके हैं। चलिए चलिए, ये हमारा गोरखपुर छावनी है। कितना मस्त व्यू है यहाँ से, एक ट्रेन जा रही है और ये प्लेटफॉर्म देखने में काफी मस्त लग रहा है। ये एक मालगाड़ी ट्रेन नजर जा रही है। हम सब पैदल ही निकल चुके हैं और अभी धूप भी थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं। वैसे यहाँ ट्रेन की आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, ट्रेन जा ही रही है। गाइस ट्रेन गया, बाय। फाइनली हमें बस थोड़ी दूर पे और जाना है, तो वहाँ पे एक समय मंदिर है, हमें वहीं पे जाना है। वहाँ पे कुछ पूजा हो रहा है तो वहीं पे हमें जाना है। स्टेशन पे कौओं की झुंड, ये सब खाने की तलाश में इधर आए हुए हैं। यहाँ पे सब कुछ खा भी रहे हैं कौए। काफी तेज धूप भी हो चुका है। यहाँ से हमें नीचे उतरना है, फिर नीचे उतरने के बाद हमारा रामगढ़ ताल आएगा, फिर उसके बाद हमारा समय मंदिर आ जाएगा। काफी प्यारा व्यू यहाँ से आएगा क्योंकि जो रामगढ़ ताल है वो गोरखपुर की शान है। चलिए दिखाते हैं, वो रहा रामगढ़ ताल, जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे वो दिख रहा है आप सबको। हम लोग की गोरखपुर की शान है ये रामगढ़ ताल। और यहाँ पे एक नौका विहार भी है जहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे शाम में सुबह में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे आप सब भी वहाँ घूम सकते हैं, सबसे प्यारा जगह है गोरखपुर का वो। ये रहा हमारा रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, और वो उधर जो है वो मुहद्दीपुर है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी। ये हमारा कूड़ा घाट है और उधर है मुहद्दीपुर, कूड़ा घाट मुहद्दीपुर। यहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन भी चालू है, ये जो रोड है यहाँ से मिल जाएगा पूरा मुहद्दीपुर, मुहद्दीपुर विद्युत कारखाना के पास ये सीधे रोड बन रहा है। ये हमारा रामगढ़ ताल, कितना प्यारा व्यू है ये। हमें बस उस मंदिर पे जाना है, वो जो पेड़ दिख रहा है जहाँ पे ज्यादा घना है, हमें वहीं पे बस जाना है, बस वहीं पे जाना है। चलिए, बस थोड़ी दूर पे है इस मंदिर की खूबसूरती है, सिर्फ पेड़ों से बना हुआ है, काफी ज्यादा प्यारा लगता है पेड़ों की वजह से। इस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना है, हम उसी के ऊपर से जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये जो ब्रिज है यही हमारा रोड का काम कर रहा है, यही देखिए वहाँ पे बन रहा है, सीधे पूरा जाएगा ये रोड। काफी प्यारा लग रहा है, पहले यहाँ पूरा पेड़ ही पेड़ था, अब यहाँ पे रोड बन चुका है। आगे हमारा मंजिल, मंदिर आने वाला है, सबसे प्यारा मंदिर ये रामगढ़ ताल, और ये बगल में मंदिर देख लो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। और बगल में जो देख रहे हैं आप वो रोड जा रहा है कूड़ा घाट मुहद्दीपुर। ये रहा हमारा मंदिर,
देखना एडवेंचर प्ले आराम से चलना। चलो 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 हम आ रहे हैं। चलो ये मंदिर आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग मंदिर आ गया। चलिए फिर माता रानी का दर्शन करेंगे फिर घर चलते हैं। रन पैर धुल लो आ जाओ। हमारी समय माता जय हो। समय माता जय भोले बाबा, जय गणपति बप्पा, जय हो गणपति बप्पा। जय बजरंग बली। हमने मंदिर में पूरा पूजा कर लिया है और ये है कुछ मंदिर का व्यू, तो चलिए दिखाते हैं। ये मंदिर के किनारे किनारे छोटे छोटे जो पौधे लगे हैं काफी प्यारे लगते हैं। ये जो सारे पौधे हैं ये पूरा नेचर से ये पूरा ढका हुआ है, पूरा चारों तरफ से इसके नेचर ही है। यहाँ पर पानी आता है तो पूरा बाढ़ आ जाता है यहाँ पर, देख लीजिए। जब बरसात का पूरा सीजन आता है तो यहाँ पे पूरा नदी बन जाता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा पानी ही पानी हो जाता है, तब तो और भी प्यारा लगता है। ये हमारा मंदिर का व्यू और वो पीछे रामगढ़ताल नदी, काफी प्यारा व्यू है यहाँ से। और ये इनके पीछे ये पूरा रामगढ़ताल, ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ से रामगढ़ताल का। गाइस इस जगह की जो फीलिंग है ना मैं कह नहीं सकता, काफी ज्यादा यहाँ पे सुकून मिलता है। इस मंदिर के सामने से ट्रेन का व्यू और भी प्यारा बना देता है इस मंदिर को। यहाँ आए और हमने मंदिर की दर्शन भी कर लिया और हमने काले काले जामुन भी खा लिए। यहाँ पे काफी ज्यादा जामुन निकला था, यहाँ की हमें सुख और शांति प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं घर की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।